हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केक हाउस बाय अनुप्रिया। दोस्तों, आज हम समा के चावल के पराठे बनाएंगे। समा के चावल हम व्रत में खा सकते हैं, और व्रत में खाने के लिए आज हम समा के चावल के पराठे बनाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम समा के चावल के पराठे बनाना। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर 1 कप समा के चावल डालेंगे, और इनको धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। हम इनका बहुत कलर चेंज नहीं करेंगे। देखिए, हल्का हल्का इनको भुनेंगे और ये हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो, और इनको थोड़ी देर ठंडा करके और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और देखिए, हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब हम इनको एक बोल में छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी चंक्स होंगे वो हम रिमूव करते हैं। पूरे पाउडर को हम छान लेंगे और देखिए, इसके अंदर हम थोड़े से चंक्स बचे हैं और इनको हम अलग कर देंगे। अब हम इसके अंदर 2 आलू डालेंगे, जिनको हम कद्दूकस कर लेंगे। एक एक करके दोनों आलुओं को पाउडर के अंदर हम कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, और 2 से 3 हरी मिर्च ये डालेंगे, और ये 1 चम्मच हमने इसके अंदर अदरक डाला है, और एक बोल हमने धनिया कट करके बारीक बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिया, और ये हमने सेंधा नमक लिया है जो कि व्रत में खाया जाता है, इसको भी हम इसके आधा डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम आलू और पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी जिससे कि हमें जितने पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी हम इसके अंदर डालें, और थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे इसके अंदर और आटे को लगाते जाएंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे, मीडियम इसको रखेंगे बिल्कुल। देखिए, हमारा आटा लगभग तैयार है, और देखते हैं हमारा आटा एकदम टाइट तो नहीं है। देखिए, हल्का सा हमें अभी ये टाइट लग रहा है, तो हम इसको फिर से थोड़ा सा पानी डाल करके गूंथ लेंगे, और इसको अच्छे से हथेली की मदद से रगड़ रगड़ के इसको गूंथ लेंगे और एक डो की शेप में बना लेंगे। और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए, हमारा आटा परफेक्ट बन गया है। अब हम इसको छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे पराठा बनाने के लिए, और इसको हम सिंगाड़े के आटे के साथ डस्ट कर लेंगे। ये हमने सिंगाड़े का आटा लिया है डस्टिंग के लिए, तो हम लोई को उसके अंदर डस्ट करके अब बेल रहे हैं, ये हमने और सिंगाड़े इसको का हम आटा गोल लिया बेल है। लेंगे एकदम से। देखिए, और इसको हम सेक लेंगे। अब हम दूसरा पराठा, जब तक हमारा ये पराठा बन रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसको हम धीमी आग पर ही सेकेंगे। दोस्तों, जो हमारा थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा बना है, दूसरे पराठे को हम दूसरी तरह से बना करके आपको दिखाएंगे। फिर से हमने इसको डस्ट कर लिया सिंगाड़ी के आटे में, और इसको बेल लेंगे हम। देखिए, तो हम थोड़ा सा और बेलेंगे इसको ताकि हम इसको एकदम गोल कर सकें। और हम एक बर्तन लेंगे, प्लास्टिक का या स्टील का, जो भी आपके पास बर्तन हो, जिसकी किनारे एकदम शार्प हो ताकि ये आसानी से कट जाए, और इसके ऊपर रखकर हम दबा देंगे और इसको काट देंगे। देखिए, अब हमारा पराठा एकदम गोल बना है। आप चाहो तो इस तरह से भी अपने पराठे को गोल बना सकते हो। अब हम इसको पलट देंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी ही रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पर हम पराठा नहीं सेकेंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पराठे को बनाएंगे ताकि हमारा पराठा एकदम से क्रिस्पी बन सके, और इसे स्पैचुला की मदद से पलट लेंगे, और दूसरी साइड भी हम यही लगा देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसको हम रिफाइंड के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप लोग व्रत में रिफाइंड खाते हैं तो रिफाइंड के साथ भी बना सकते हैं, और जो लोग देसी घी के साथ खाते हैं वो देसी घी के साथ ही बनाएं। तो देखिए, हम पराठे को बार बार उलट पुलट करके इसको सेक लेंगे, एक तरफ लगातार नहीं सेकेंगे, और इसको जैसे जैसे हम सेकते जाएंगे एकदम क्रिस्पी होता चला जाएगा।
देखिए हमारा पराठा लगभग तैयार हो गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। लग रहा है ना देखने में एकदम सुंदर, तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हम अपना दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं और इस पर भी हम घी लगा देंगे। देखिए ये पराठा भी हमने लगभग हमारा सिक्का तैयार हो गया है और इसको भी हम अब निकाल लेंगे। देखिए और अब हम एक प्लेटिंग करेंगे। इस प्लेट में हमने दही रखा है, आप चाहो तो हरे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो, ये दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है। लग रहा है ना एकदम पराठा टेम्पटिंग। दोस्तों अगर आपको मेरा पराठा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।